Now, the four Sankracharyas of Hindu Dharma are not attending this ceremony, and a lot has been said that they are unhappy or upset with the vidhi, uh, vidhan used as far as this ceremony is concerned. They believe that the ceremony is not taking place according to the Shastras and the Vedas. I have one such Sankracharya, Dwarka Peach Sankracharya, Sadanand Saraswati, joining me now. Let's take that question to him. शंकराचार्य जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो बहुत चर्चा हो रही है कि शंकराचार्य इसलिए नहीं जा रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्योंकि आ, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये रीज़न है या वो रीज़न है मैं सबसे पहले आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं इस इवेंट में नहीं हम लोगों को प्रसन्नता है कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और वो निर्वघ्न संपन्न हो ऐसी मंगल कामना भी है और हम लोग भी बाद में दर्शन करने के लिए जाएंगे अभी प्रतिष्ठा के अवसर पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों के साथ भी बहुत लोग होते हैं और वहाँ लोगों को सीमित अर्थात अव्यवस्था ना हो जाए एतदर्थ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी तो उस मर्यादा का ध्यान रखने के कारण जाना नहीं हो रहा है बाकी सभी राम भक्त हैं और हम लोगों को इस विषय में कोई आ, समाज को इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए बाद में सब जाने वाले ही हैं जी जी लेकिन ऐसे भी चर्चा हो रही है कि ये जो पूरी सेरेमनी है ये विधि विधान के हिसाब से नहीं हो रही है अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जो लोग मानते हैं कि सही नहीं है तो क्या ये भी रीजन हो सकता है कि आप नहीं जा रहे हैं सनातन धर्म में हिंदू धर्म में विधि निषेध का पालन होता है हुँ। शास्त्र की मर्यादा का पालन होता है आचार्यों का उत्तरदायित्व तो होता है शंकराचार्यों का उत्तरदायित्व तो होता है कि धर्म शास्त्र के अनुसार चलें और समाज को भी देश को भी चलावें आ, एक बात ये भी निकल के आई है ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब सोमनाथ मंदिर दोबारा बनाया गया था उन्नीस सौ इक्यावन में वहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और तब भी वो जो मंदिर था अधूरा था अर्ध निर्माण था वो पूरा नहीं बना था तो क्या ये कहना सही है कि अधूरे मंदिर में अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें गए हुए थे जी और वो अधूरा था कि पूरा था ये तो हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं है आप बता रहे हैं कि अधूरा था वो लेकिन अब ये इन विषयों पर चर्चा करने का अवसर कहाँ है संकल्प हो चुका है अच्छा काम हो रहा है इसको होना होने देना चाहिए जी और इसी से जुड़ी हुई ये भी बात है कि उस वक्त आ, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति थे वो गए थे राजेंद्र प्रसाद आ, जब सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो उसका हिस्सा बने थे आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो क्या ये कोई विवाद का विषय है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए काशी के विद्वानों द्वारा पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है धार्मिक अनुष्ठान काशी के और दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो जा सकते हैं जाना चाहिए जी आ, तो आप नहीं मानते हैं कि कोई विवाद होना चाहिए इस पे कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं या नहीं या ये विधि विधान से हो रहा है या नहीं प्राण प्रतिष्ठा दूरे मंदिर में हो रही है नहीं बट मैं ये बहुत बड़ा एक मौका है आ, बहुत बड़ा सपना देशवासियों का पूरा हुआ है कि राम मंदिर अब अ, बन गया है अ, और प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद से नए मंदिर में दर्शन भी शुरू हो जाएंगे तो इस आ, मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे ये जो समय आया है नहीं ये समय बहुत अच्छा आया है हम लोग और हमारे आचार्यों की शंकराचार्यों की हमारे गुरुजी की भी बहुत इच्छा थी कि राम जन्मभूमि में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसमें गर्भगृह में शास्त्रों के अनुसार कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम छोटे शिशु रूप में विराजमान हो और हम लोग उनका दर्शन करें व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुई यज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद वह अवसर हम लोगों को प्राप्त होगा सभी को प्रसन्नता है जिनको नहीं है उन्हें प्रसन्न होना चाहिए लेकिन कुछ लोग तो यही समझ रहे हैं कि शंकराचार्य प्रसन्न नहीं है इसीलिए आप लोग नहीं जा रहे हैं तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे क्या मैसेज देंगे उनको हाँ वो उनका ज्ञान अधूरा है जी उनका ज्ञान अधूरा है ओके सदानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने शब्दों में खुद ही बता रहे हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद